राजनांदगांव में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत प्रदेश के कार्यकर्ता शामिल हुए और इस दौरान सीएम साय ने कहा कि मोदी की गारंटी को छत्तीसगढ़ सरकार ने 100 दिनों में पूरा किया है। साय ने कहा कि हमने भूपेश बघेल को भी धान का बोनस दिया है और धान के अंतर की राशि मिली। साय ने कहा कि हमारी सरकार ने 70,12,000 माताओं के बैंक खातों में महतारी वंदन योजना की राशि 655 करोड़ रुपए डाले और हमारी माताओं बहनों को अब महतारी वंदन की राशि के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही साय ने कहा कि राजनांदगांव लोकसभा के प्रत्याशी संतोष पांडे एक अनुभवी सांसद हैं, क्षेत्र की समस्या मजबूती से उठाते हैं। संतोष पांडे को निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता प्रचंड मतों से सांसद बनाकर लोकसभा पहुंचाएगी। राजनांदगांव से नैमिष अग्रवाल की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और हर बार चुनाव के पहले हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं, तो आज राजनांदगांव में राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था और हमारा सौभाग्य था कि उनसे मुलाकात करने का अवसर मिला है और भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता आए और भारी उत्साह है। और हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी हैं श्री संतोष पांडे जी, बहुत अनुभवी प्रखर वक्ता, संगठन में भी परिपक्व और एक बार सांसद रह चुके हैं और पूरी मजबूती के साथ क्षेत्र की समस्याओं को लोकसभा में उठाए हैं, तो निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता दोबारा उनको प्रचंड मतों से सांसद बना के दिल्ली भेजेंगे। कल ही हम लोगों की सरकार का 100 दिन पूरा हुआ है, लेकिन 3 महीने में ही मोदी की गारंटी में जो छत्तीसगढ़ की जनता से हम लोगों का वादा था, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे 2 साल का बकाया बोनस हो, या 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात हो, या 3100 प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हो, या महतारी बंधन योजना में प्रति महीना 1,000 देने की बात हो, इन सब कामों को हम लोगों ने, हमारी सरकार ने 3 महीने में पूरा किया है।